आज बहुत ही ज़्यादा बड़े वाला ऑर्डर आया है। A2 साइज की शीट पे है, बहुत ही बड़ी शीट है और इस पे अगर डिटेलिंग कम हुई तो बहुत ही बेकार लगेगा। तो इस पे ज़्यादा से ज़्यादा डिटेलिंग करने की कोशिश करेंगे और मैं आपको आज बताऊंगा कि कैसे स्केच बनाते, कैसे डिटेलिंग करते, उसमें कैसे छोटी छोटी चीज़ें बनाते ताकि वो और ज़्यादा रियल लगे। तो वीडियो को एंड तक के देखते रहना। और मैंने ऑलरेडी आउटलाइन बना के रखी है, ये वाली शायद ही दिख रही होगी आपको, तो इसको हम बाद में देखेंगे। अभी ये जो ऑर्डर है ये ऑलरेडी बहुत ही लेट चल रहा है, तो इसको जल्दी से काम चालू करके जल्दी से ख़त्म करने की कोशिश करेंगे और ट्राई करेंगे कि जल्दी से जल्दी हो पर एकदम बेस्ट। और हाँ, ये मेरा ये थोड़ा सा ढीला है बट पहनना पड़ता है ठंड ज़्यादा, इसलिए बाकी चल जाएगा। ओके तो बड़ी स्वेटर तो मेरे को फिट आ गई बट बड़ी शीट टेबल पे फिट नहीं आ रही है। इतनी बड़ी है ये कि बाहर जा रही है, इसका अगर मैं यहाँ का सामान भी हटा दूँ ना फिर भी ये बाहर जाएगी। तो इसको कुछ ऐसे रखना पड़ेगा यहाँ पे ताकि पूरी शीट आ जाए, और कुछ ऐसे कैमरे को ऊपर लगाना पड़ेगा ताकि आपको ये पूरी शीट दिख जाए। पूरी नहीं तो कम से कम इतनी तो दिख जाए जितने में हम बना रहे, ड्रॉ कर रहे, ठीक है। तो अभी यहाँ का मैं सब साफ करूंगा और इसमें मैंने जो आउटलाइन बना के रखी है वो अभी आधी बनी है। इसमें बहुत सारा काम बाकी, आउटलाइन में भी कैमरा भी फिट कर लेता हूँ, ये सब सामान हटा देता हूँ, फिर आपको बताता हूँ इसके आगे का स्केच कि कैसे हम बनाने वाले। 2 hours later तो कुछ इस टाइप से मैंने अपनी शीट रखी है और मॉनिटर को थोड़ा सा टेढ़ा कर दिया है, पीछे रखा हुआ CPU और ये है लैम्प। तो ये बीच बीच में कभी कभी काम आ जाएगा, कभी ज़्यादा अंधेरा हो गया या फिर एक साइड से लाइट आ रही है एक साइड से अंधेरा है, तो फिर ये लैम्प चालू कर लेंगे ऐसा, ठीक है। और बाकी सब सामान इधर, अभी ये इसमें रखा हुआ है, ये सब इधर फैल जाएगा जब मैं बनाऊंगा तब। और मेन चीज़ ये है, यहाँ पे फ़ोन रखूँगा मैं ताकि नीचे का पूरा क्लियरली शूट हो सके। और इसके ऊपर इसलिए रखना पड़ रहा है क्योंकि ये टूट गया है थोड़ा सा ये इधर से, तो इसमें डर लगता है कभी गिर जाएगा नीचे तो फ़ोन टूट सकता है, इसलिए इसके ऊपर रखेंगे। और इसके ऊपर से आपको कुछ ऐसा दिखेगा ऐसा, तो ये प्रॉब्लम आएगी, ये इतना इतना आपको एरिया दिखते रहेगा, तो देख लेना आप अपने हिसाब से, बट वो उसको कुछ कर नहीं सकते हम, नहीं तो फिर इधर का दिखेगा तो ये ऐसा अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए ऐसा। उसके बाद आउटलाइन थोड़ी सी बन गई है, उधर की भी बन ही गई है लगभग, हाँ इतना ही बनेगा। ये शीट में थोड़ा सा इधर हो गया था फेस, तो इतनी इतनी शीट काटनी पड़ेगी। तो ये है हमारी स्केच, अभी इस पे काम चालू करूंगा। और सबसे मेन चीज़, अगर आपने अभी तक के सब्सक्राइब नहीं करा है चैनल को तो जल्दी से आके सब्सक्राइब करो। देखो अभी सिर्फ 258 सब्सक्राइबर है, मतलब बस 258 सब्सक्राइबर, तो जल्दी से आके सब्सक्राइब करो चैनल को और लाइक कर देना वीडियो को। तो चालू करते अपना स्केच और देखते हैं कि कैसा बनता है, कितना रियल बन पाता है और क्या क्या यूज़ करता हूँ मैं। चलो ओके तो शुरू करते हैं हमारा स्केच। और सबसे पहले हम बनाएंगे हेयर्स, ऊपर से चालू करते हैं हमेशा स्केच को। ये है मेरे पास एक रॉड, रॉड तो नहीं है, मेटल का है, पता नहीं क्या चीज़ है ये, बट इसमें आगे है थोड़ा नुकीला सा, तो इससे हम पीछे पीछे के जो हेयर्स रहते हैं ना तो वाइट वाइट जाना पे रहता है वो बना लेते, चलता नहीं है, बट इससे ऐसे ऐसे करेंगे फिर उसके ऊपर पेंसिल चलाएंगे तो यहाँ पे वाइट वाइट हो जाएगा, तो इसलिए हम इसको यूज़ करते हैं। और इससे हल्का हल्का चला देंगे जहाँ पे शाइन हो रहे बाल, वहाँ वहाँ पे बिल्कुल हल्के हाथ से चलाएंगे इसको, नहीं तो पेपर फट सकता है। ये पूरे बाल पे कर दिया है। और अब सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये है कि ये इतनी बड़ी शीट है तो पता भी नहीं चल रहा कि कहाँ से स्टार्ट करें, क्योंकि जब छोटी शीट रहती तो हम उसको पार्ट में बांट लेते, पर इसमें अगर एक ही पार्ट बना तो इतना बड़ा एक पार्ट हो जाएगा, मतलब सिर्फ फेस फेस का। तो हम इसको भी और टुकड़ों में बांटते हैं, यहाँ से चालू करते हैं यहाँ के हेयर तक, फिर यहाँ से यहाँ तक, ऐसे हम इनके पार्ट बना लेंगे। तो पहले इतना एरिया बनाते हैं चारकोल पेंसिल से, ये वाली सॉफ्ट वाली चारकोल पेंसिल से और ये वाली चारकोल पेंसिल से, तो इन दोनों से बनाएंगे इनके हेयर्स, और फिर बाद में इसमें फिनिशिंग करेंगे। अभी सिर्फ काला ब्लैक ब्लैक कर रहे हैं, अभी सिर्फ डार्क डार्क करेंगे और इसके अलावा कुछ भी नहीं करेंगे। बाकी जो छोटे छोटे बाल रहते हैं वो सब अपन एंड में बनाएंगे, मतलब पूरे जब सब तरफ के बाल बन जाएंगे तब। ये शीट इतनी बड़ी है कि बस इतना सा पार्ट बनाने में ना यहाँ पे हाथ में दर्द हो रहा है, क्योंकि बहुत ही बार ऐसा, मतलब बार बार हमको ऐसा हाथ चलाना पड़ रहा है ना, इसलिए तो यहाँ की जो मसल्स है ऐसी ऐसी, ये ऐसा ऐसा होने जा रहा है, ये दिख रहा है ना आपको, तो ये ऐसा ऐसा हो रहा है, तो यहाँ पे थोड़ा सा दर्द हो रहा है ये ऐसे जब बार बार पेंसिल चलाते ना तब। पर
पता है ये बड़ी इसकी इसमें प्रॉब्लम क्या आती है, जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि इतनी बड़ी आइज़ है ना, और हमने फोटो में देखा कि इतनी बड़ी आइज़ है, बट उसको जब हम ड्रॉ कर रहे पेपर पे, तो हमने जब हम आउटलाइन बनाते हैं ना, तो उतनी बड़ी ही हमने आइज़ बना दी। फिर बाद में पता चलता है कि इतनी बड़ी आइज़ फ़ोटो में आएगी नहीं, इतनी बड़ी बनाना पड़ेगा, बड़ी क्योंकि स्केच बड़ी है, फ़ोटो से बड़ी है, इसलिए। तो ये प्रॉब्लम आ जाती है, छोटा बड़ा हो जाता है इसमें। मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन नहीं कर पाया हूँ, बट आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि क्या प्रॉब्लम आती है इसमें। तो अभी यहाँ पे वैसे ही हुआ था, ये जो मैंने ये इतना सा बनाया है, तो ये आइज़ थोड़ी छोटी बड़ी हो गई थी, बट उसको मैंने थोड़ा सा सही कर लिया, तो अभी ठीक है। और अभी इतने हेयर्स बन गए हैं, अब इसके बाद साइड साइड का बना दें, फिर फेस यहाँ से चालू करेंगे और सिर्फ फेस फेस बनाएंगे, पूरा डिटेलिंग नहीं करेंगे, सिर्फ जो ब्लैक ब्लैक चीज़ें हैं पहले वो बनाएंगे। तो ये डार्क वाली पेंसिल्स हमने बेस बना लिए, मतलब जो सबसे डार्क वाले हेयर्स थे वो बना लिए। अब उससे थोड़ी लाइट वाली पेंसिल से, ये भी चारकोल पेंसिल है, इससे हल्का हल्का चला देंगे, ताकि जो हल्की हल्की शेडिंग आ जाए उसमें, हल्का हल्का, एकदम हल्का। ये लाइट वाली पेंसिल है, मतलब चारकोल में सबसे डार्क वाली सी, ये थोड़ी सी लाइट है। चलो तो अभी इतने ही हेयर्स बनाते हैं, अब इसको जो एक्स्ट्रा पेंसिल है ये ब्रश से हटा देते हैं, ऐसा हम ऐसे ऐसे करेंगे इस पर, तो जो भी पाउडर पाउडर ऊपर आएगा वो उड़ जाएगा इससे, तो जो एक्स्ट्रा पेंसिल रहेगा वो हट जाएगा, तो इससे हटा देते, ताकि हम कभी हाथ अपना गलती से जाता है तो इसे फैले नहीं, इसलिए ये ब्रश पूरे इस पर चला देते हैं बालों पर, ताकि जो एक्स्ट्रा पेंसिल है वो हट जाए। ये हो गया। अब ये ब्लेंडर, ब्लेंडर या फिर स्टम्प पेपर भी बोल सकते हो आप, तो हम इससे थोड़ा सा स्मूथ कर देते बालों को। बस फिलहाल तो अभी इतना ही करेंगे, इसमें कोई भी डिटेलिंग नहीं करेंगे इनके बालों में, और सबसे पहले इनका फेस बनाएंगे, फिर बालों को वापस से हम ड्रॉ करेंगे। अभी इतना ही छोड़ देते, और इधर के हेयर्स भी अभी इतना ही छोड़ देते, क्योंकि हम जब इनका फेस बनाएंगे तो अपना हाथ यहाँ पे जाएगा ही जाएगा, तो यहाँ पे अगर हाथ गया और यहाँ पे अगर चारकोल पेंसिल हुई तो वो फैल जाएगी, इसलिए अपन अभी यहाँ पे नहीं बनाते, अभी सिर्फ फेस फेस बनाएंगे, उसके बाद यहाँ से काम चालू करेंगे नीचे का। सबसे पहले पूरे फेस में जो भी डार्क चीजें हैं वो बना लेंगे, पहले फेस की आउटलाइन बना लेंगे, फिर उसमें जो भी आउटलाइन से, जैसे कि लिप्स है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कि ये ऐसा सब पूरे आउटलाइन बना लेंगे। उसके बाद ऊपर से हम हल्की हल्की लेयर्स डालना चालू करेंगे, जैसे मैंने अभी यहाँ यहाँ पे पेंसिल से करा है, तो ऐसे ही पूरे फेस में करेंगे, फिर यहाँ पे शेडिंग करना चालू करेंगे। तो सबसे पहले जो भी मेन मेन चीजें हैं इसमें, मतलब जो भी डार्क चीजें हैं फेस में, वो बना लेते हैं। जितनी भी डार्क चीजें थी फेस में वो बना लिया है। अब एक लेयर डाल देते हैं हल्की हल्की पेंसिल से, ये जैसा मैंने यहाँ पे किया है वो पूरे फेस में कर देंगे, फिर उसके बाद ऊपर से हल्की हल्की शेडिंग करना शुरू करेंगे। तो पहले पूरे फेस में ऐसा कर देते हैं, फिर बाकी का काम उसके आगे करेंगे। चलो तो ये पूरे फेस में बन गया है। अब इसके बाद डार्क वाली पेंसिल लेंगे 0.9 mm की, और इससे आंखों में शेडिंग करना शुरू कर देते हैं, आंखों के आसपास, या फिर पहले अंदर का बना लेते हैं, आंखों के अंदर का, और फिर बाहर बाहर का बनाएंगे। तो पहले ये जो अंदर अंदर का एरिया, उसको ब्लेंडर से छोटा वाला काम गया ये, तो अभी पहले अंदर अंदर का स्टम्प पेपर से स्मूथ कर देते हल्के हाथ से, ऐसे इधर का भी कर देते सेम ऐसे ही, ये हो गया। अब इनके आंखों के बाहर बाहर का यहाँ पे जितनी भी शेडिंग से, मतलब जितनी भी चीजें हैं, वो सब यहाँ पे बना देंगे अब, और फिर उसके बाद वापस से ऊपर से चालू करेंगे। तो पहले नीचे से शुरू करते हैं आंखों से, और यहाँ पे धीरे धीरे डार्क करना चालू कर देते डार्क वाली पेंसिल से। इसके लिए आपको फोटो को ध्यान से देखना पड़ेगा कि कहाँ पे कौन सी चीज है। मेरे पास तो चलो ये मॉनिटर है, तो मैं इसमें पास से देख लेता हूँ, अगर आपके पास फोन है तो आप उसमें जूम करके देख सकते हो। उसमें भी मेरे को शायद, मैंने एक दो बार ट्राई किया था, जैसे फोन रख के फोन में से देखने का, बट उसमें इतना क्लियरली दिख नहीं पाता है, जो छोटी छोटी चीजें रहती है वो सब। तो अगर आपके पास भी कंप्यूटर या लैपटॉप है तो आप उससे देख के बना सकते हो, तो थोड़ा ज्यादा इजी पड़ेगा। बाकी बात तो सेम ही, किसी में से भी बनाओ, टैलेंट होना चाहिए तो अपने आप बन जाएगा, मतलब अच्छा बनेगा, अपने आप बन जाएगा अच्छा, अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो, और मेरी वीडियो को देख के सब्सक्राइब करोगे तो चैनल को, तो जल्दी से आओ लाइक कर दो वीडियो को, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। अभी सिर्फ बेस बना रहे हैं, सिर्फ लाइट लाइट चीजें कर रहे हैं अभी, एकदम
मेन चीज नहीं करेंगे जो एकदम से बना देते ना हम, डिटेलिंग कर देते, वो सब अभी नहीं करेंगे, वो एंड में करेंगे। पहले सिर्फ चीजों को बना रहे हैं कि कौन सी चीज कहाँ पे आएगी, कौन सी शेडिंग कहाँ पे आएगी, फिर लास्ट में कॉटन से, ब्रश से और ये स्टम्प पेपर से, इन सब से स्मूथ करने के बाद व्हाइट वाले पेन से और पेंसिल से सबसे डिटेलिंग करेंगे। तो अभी तो सिर्फ ये 0.9 mm की पेंसिल से सिर्फ मेन मेन चीजें बना देते हैं और उसके बाद बाकी का काम करेंगे। जो आंखों के अंदर ये व्हाइट व्हाइट रहता है ना, इसके अंदर भी पेंसिल यूज करना पड़ता है, ये पूरा व्हाइट नहीं रहता है। इसमें कोने से हल्का हल्का डार्क करते हुए, स्लोप में लाते हुए यहाँ पे व्हाइट होना चाहिए ताकि वो थोड़ा और ओरिजिनल लगे, क्योंकि ये गोल रहता है, ऐसा उभरा हुआ रहता है, सीधा नहीं रहता है, तो वो पूरा वाइट नहीं होता। पहले मैं इसमें पूरा वाइट बना देता था, फिर धीरे धीरे पता चला कि नीचे साइड में भी शेडिंग रहती है हल्की हल्की, तो उससे और अच्छा लगता है। तो आप भी ऐसा कर सकते हो। अभी सिर्फ हम इसमें बेसिक चीजें बना रहे, जो ओरिजिनल फोटो में है वही बना रहे हैं, बाकी इसमें अब डिटेलिंग कुछ भी नहीं कर रहे, सिर्फ बना रहे कहाँ पे क्या शेडिंग आएगी, कौन सी चीज आएगी, वो सब उस पर अपन अभी ध्यान नहीं दे रहे, अभी सिर्फ बनाते जा रहे हैं जैसा लग रहा है वैसा, और फिर उसके बाद धीरे धीरे जब सब चीज बन जाएगी फिर उसमें सुधार करेंगे, क्योंकि सब चीज बनने के बाद उसमें जो करेक्शन करते हैं ना वो उससे ज्यादा अच्छा लगता है। अगर अपन एकदम से शुरू से इतना एकदम रियल बना देंगे, मतलब जितना अपना मैक्स बनाने की कैपेसिटी है उतना रियल बना देंगे, इतना एरिया, और फिर उसके बाद इतना बनाएंगे तो वो अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए पहले मैं सबसे पहले पूरे स्केच को बना देते, जितना भी बन रहा है मन से कुछ भी बना देते, फिर उसके बाद धीरे धीरे चीजों को सही करते हुए हर एक चीज ऐसी सही कर देंगे जिससे लगे रियल, मतलब रियल तो नहीं, मतलब लगे फोटो देख के कि हाँ ये यही इंसान है।